नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वे संतु निरामया की भावनाओं के साथ होलिकोत्सव की शुभकामनाओं सहित आज की मुख्य खबरों में, आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक पारदर्शिता एवं निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर स्थानीय महाविद्यालय में बीते 20 और 21 मार्च को पीठासीन अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, मतदान मास्टर ट्रेनरों द्वारा सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं EVM प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी शिव कुमार परनवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण में जो कर्मचारी अनुपस्थित थे, उन कर्मचारियों को आगामी 28 मार्च सुबह 10 बजे से विकास भवन सभागार में मास्टर ट्रेनरों द्वारा सैद्धांतिक, व्यवहारिक एवं EVM प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने समस्त संबंधित कर्मचारियों से आवश्यक रूप से निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने को कहा है। नैनीताल SSP प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में जनपद में होली पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर जनपद भर सहित शहर के मुख्य बाजार और चौराहों पर पुलिसकर्मी सतर्क होकर हर आने जाने वाले पर नजर रखते हुए ड्यूटी पर तैनात हैं। इस दौरान SSP ने होली पर्व पर घर परिवार से दूर रह रहे ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के मध्य पहुंचकर और उन्हें लंच पैकेट, पकवान और मिठाई से उनका मुंह मीठा कराया, जिसको लेकर पुलिसकर्मी प्रसन्न मुद्रा में दिखे। SSP ने पुलिसकर्मियों से वार्ता की और आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। SSP ने भीमताल तिराहा, नरीमन तिराहा, खेड़ा, बनभूलपुरा, मंडी, मुखानी चौराहा, ऊंचा पुल, कटघरिया, लामा चौड़, आम्रपाली सहित अन्य ड्यूटी पॉइंट पर तैनात महिला एवं अन्य पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित भी किया और होली का टीका लगाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर SP सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र, CO लालकुआ संगीता, CO हल्द्वानी नितिन लोहनी, PRO प्रमोद पाठक सहित संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष मौजूद थे। आगामी लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष, सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में कोतवाली धारचूला पुलिस व SSP टीम द्वारा संयुक्त रूप से पोलिंग बूथ, खेला, थुमली, खुआकुरी, धोरा आदि का निरीक्षण किया गया था। संबंधित क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों को निर्भीक होकर किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए सभी को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। मतदान केंद्रों के आसपास होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही तथा मतदान को लेकर अराजक का माहौल पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जा रही है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। मनोज जनरल स्टोर पुस्तक व स्कूल ड्रेस विक्रेता, खड़ी गली लाइन, टकाना, पिथौरागढ़। हमारे यहाँ सभी पब्लिक स्कूलों की पुस्तकों सहित समस्त स्टेशनरी का सामान महासेल के तहत उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क माफ, मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आने से एक कर्मचारी झुलस गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कर्मी को अविलंब अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय में तैनात चालक कर्मी दीपक ने बताया कि वह अपने घर को जाते समय बारिश से बचने के लिए सड़क के निकट कुछ दूरी पर लगे एक ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े होने गया था। उसके पास लगी जाली पर चढ़ने के दौरान करंट की चपेट में आ गया और जिससे वह झुलस गया। इस दौरान कर्मी ने अपने अधिकारी व पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची तल्लीताल पुलिस ने युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने युवक को प्राथमिक उपचार देने के साथ ही ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था।
एक युवक की नहर में डूब जाने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एसटीआरएफ की टीम ने बमुश्किल शव को तलाश कर नहर से निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में एक युवक का पैर फिसलने से वह असंतुलित होकर गंग नहर में गिरकर डूब गया। स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी सूचना एसटीआरएफ टीम को दी गई। सूचना पर पहुंची टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राफ्ट के माध्यम से सर्च अभियान चलाया और मशक्कतों के बाद डूबे हुए युवक का शव बरामद कर नदी के बाहर निकाल लिया। मृतक की शिनाख्त अजय सविता उम्र 22 वर्ष निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की गई। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल माँ त्रिपुरा में बारात बैठक पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।